दिए तो मुमकिन है, बाकी नामुमकिन है। बीजेपी अगर कड़ा कुत्ता में टिकट देगा ना तो वो भी जीतोगे साहब। टिकट मिले बाद में माहौल बने, अब कौन सा ने कहा टिकट मिला। कांग्रेस के अंदर ऐसा कोई दबंग नेता नहीं है जो मोदी जी को टक्कर दे सके। बीजेपी को आदमी जीत लो। लाख लाख दो दो लाख रुपए घूस के दिए हमने। बड़ो आरोप लगा रहे हो। बड़ो आरोप तो यार हमने दिया है जो पूरी हिंदुस्तान की पार्टी एक हो जाए और नरेंद्र मोदी जी ने कोई हरा ही कौन सके। डोटासरा से चौको तो महादेव सिंह से मोदी जी देश ना बहुत आगे ले जा रहे हैं और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तो मोदी जी ने वोट जा रहे हैं वो, न कि कोई उम्मीदवार ने वोट जाओगे। और मोदी जी केवल प्रधानमंत्री बनाना, चाहे भी मैं सांसद चाहे कोई नहीं भी दे दो टिकट जीतोगे वो क्या उपलो वोट तो मैं तो मोदी जी ने दे सिया। पहले आतंकवादी हा कभी बम फोड़ देता, आज मोदी जी आया बाद में एकदम शांति है। हर राम साहब, मैं थर साथ अरुण थे, देख रहे हो झलको सीकर। अभी फिलहाल मैं मौजूद हूँ सीकर के खंडेला विधानसभा क्षेत्र के, मैं प्रॉपर खंडेला के बीच के बाजार में मैं खड़े हूँ। अभी लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो कुछ माहौल बन तो नज़र आ रहे हैं, कुछ के लोगों का मायने मुंडा पर चर्चा भी नज़र आ रही है, चाय की तरह पर बातचीत हो रही है, साथ में मौसम भी सुहावना हो रहे हैं। तो एक मैं खंडेला की जनता हूँ, बातचीत अब कराँगा कि इसकी बात टिकट है लोकसभा चुनाव के मायने बीजेपी और कांग्रेस की पार्टी ही बाकी ने देश के ही, साथ में कोई निर्दलीय उम्मीदवार भी खड़े हो उसके के क्या अब की बार राजस्थान की 25 जो लोकसभा जो सीट ही बाकी स्थिति रह इसके है, सारी बातचीत आप करेंगा। साथ में ही जो सीकर के मायने कौन सो पार्टी को प्रभावी उम्मीदवार है जो बाजी मार सके, क्योंकि अब की बार बीजेपी के द्वारा देखने मिले कि भाई नया चेहरा भी उतारा गया ही और बहुत सा चेंज ही वह अब की बार विधानसभा चुनाव के मायने बीजेपी पार्टी द्वारा देखने मिले ही, तो कई बार स्थिति दोबारा दोहराई जाएगी लोकसभा के मायने भी पर लोगों से विस्तृत बातचीत करेंगे। थान वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहने और शेयर जरूर कर देना कि बार की को माहौल बना रहे हो लोकसभा में। लोकसभा सब मोदी जी को माहौल है और हमारा दिमाग सु सुभाष जी मेरी अन्य टिकट मिलनी चाहिए। और कोई पर भी विश्वास कर सकेंगे बीजेपी वाला? देखो विश्वास कोई पर करो जीतोगे बीजेपी को आदमी, बीजेपी अगर कड़ा कुत्ता में टिकट देगा ना तो वो भी जीतोगे साहब। तो विश्वास गया और कॉन्फिडेंस साहब मोदी जी के ऊपर, आज मोदी जी देश ना बहुत आगे ले जा रहे हैं और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तो मोदी जी ने वोट जा रहे हैं वो, न कि कोई उम्मीदवार ने वोट जाओगे। कांग्रेस वाला आपकी बार कौन से आदमी पर विश्वास कर सकें, किन देश की टिकट? तो कांग्रेस वाला को मना लगा टोडासरा पर करना चाहिए, बाकी देखो जीतेगा बीजेपी का उम्मीदवार ही, आम वोटर ना बीजेपी ने ही वोट सपोर्ट कर लो। तो लोकल की बात करें खंडेला हूँ तो महादेव सिंह जी को क्या माहौल है? महादेव सिंह जी माहौल ठीक है, लेकिन लोकसभा जो चुनाव है ना अभी मोदी जी ने वोट जाड़ ला, महादेव सिंह जी ने कोई वोट कौन देसी। तो मोदी जी की वजह जा रहे हैं वोट के कारण समझ मारे? मोदी साहब देश के प्रति काफ़ी वफादार है और देश ने काफ़ी आगे ले जा रहे हैं और आम आदमी को जो विश्वास है ना वो मोदी जी पर खूब है, इसलिए हम सब मोदी जी के सपोर्ट में। जय की जी हाँ, सेना के अंदर है तो आज मोदी जी देश के लिए बहुत बढ़िया कर रहे हैं, सेना के लिए बहुत बढ़िया कर रहे हैं, मिसाइल वगैरह तैनात करा रहे हैं, देश की सुरक्षा के लिए बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और दूसरी बात, देश के अंदर शांति है, पहले आतंकवादी हा कभी बम फोड़ देता, आज मोदी जी आया बाद में एकदम शांति है। हर राजस्थान में 25 लोकसभा सीट है तो अब की बार कतेक बीजेपी के पक्ष में जा सके? साहब 25 की 25 रहनी चाहिए हमारे दिमाग से, के कारण समझ में आ रही है? कारण मोदी जी है साहब, एक तरफ मोदी जी को माहौल आओगे जी ही चुनाव आसी, हर बच्चों का ही हर बुढ़ो से लेकर जवान सब मोदी जी ने वोट दी। की को चर्चा की बार लोकसभा का मायने दिख रहे वर्चस्व कौन सी पार्टी को अब की बार नजर आ रही जी? वर्चस्व देखा जाए तो वैसे बीजेपी का है और सभी जैसे नरेंद्र जी मोदी को ही चुन रहे हैं कि अगर मोदी जी है तो सब मुमकिन है। तो बीजेपी कौन से उम्मीदवार पर विश्वास कर सके, कौन सा कैंडिडेट ने टिकट दे सके? देखो इसके बारे में तो पार्टी ही जानती है, उसके बारे में इतना हमें नहीं। फिर भी जहाँ के दुकान पर लोग आऊँ, काफ़ी लोग आऊँ मिल रहे हैं, एक चर्चा आपस के मैं कर भाई फलाना आदमी टिकट दे सके पार्टी, तो कौन से आदमी को की बार ज़्यादा चर्चा सुनवा मिल रही है? देखो मैं तो सुमेरनंदन जी का भाई, जो सुमेरनंदन जी है उन पर ही थोड़ा सुनने को आ रहा है कि उनको टिकट मिल सकती है। अग्रवाल जी की को माहौल बना रहे हो की बार? लोकसभा में तो बीजेपी का ही है, मतलब मोदी के हिसाब से सब बीजेपी को ही देंगे वोट। तो पापा बात करा सब पहले टिकट की, तो बीजेपी टिकट किन देश के सीख करूँ? सुबेनानंद जी महाराज दावेदार है टिकट के, बाकी और कोई? बाकी तो और कोई देखो किसको मिल। सुभाष जी मेरी कौन देश के? मेरी है थोड़ा वर्चस्व कम है। मां के अलावा कोई? उनके अलावा तो अभी तो फिलहाल कोई भाग दौड़ में कोई नहीं है मेरे हिसाब से। और कांग्रेस पार्टी को क्या माहौल समझ मारे, की के ऊपर विश्वास कर सके कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी तो देखो टोडासरा का थोड़ा है चांस आने का, देव सिंह जी का वर्चस्व ठीक है, लेकिन देखो थोड़ा सा उनका आपके कार्यकाल में कोई बढ़िया विशेष कोई काम नहीं करवाए तो वो जनता नाराज है, मतलब पैसे देकर काम
हुआ है नगर पालिका में, देख लो और देख लो, नगर पालिका में पट्टे बने हैं तो लाख लाख दो दो लाख रुपए घूस के दिए हमने। बड़ो आरोप लगा रहे हो? बड़ो आरोप तो यार हमने दिया है, जो बता रहे कि ऐसे कर्मचारी बिठा रहे के तो 6 महीने से चक्कर कटवाते हैं फिर काम करवाते हैं, ये बात है। तो महादेव सिंह जी को आर को के कारण समझ मारे विधानसभा में? आर तो यही है कारण कि भाई जनता नाराज है और कुछ मोदी की लहर है। राम राम। राम राम जी। की नाम है साहब? मेरा नाम है साहब अब्दुल सलाम है और व्यापार मंडल का प्रचार मंत्री हूँ मैं, और वैसे मेरे को लाला जी के नाम से जानते हैं। अच्छा लाला जी थे, और एक चीज बताओ, काफी लोग थर के आता हूँ। आता है साहब। तो लोकसभा चुनाव की बात टिकट की बात करा तो किको वर्चस्व आ रहे हैं, बात करा सब पहले बीजेपी की। देखो साहब जो भी मेरा पास कस्टमर जो आ रहा है वैसे की बात बोले के उपोलो बोर्ड तो मैं तो मोदी जी ने दे सिया, और रहा सवाल टिकट का तो टिकट के मायने तो हमारे सुमदन जी महाराज है बे, इके पहले भी दो बार रहेगा सांसद और अभी भी भाई बनेगा सांसद बनेगा। लोकसभा जो सीट है भी मैं कोई सांसद को चेंज करनी है, सिर्फ खाली मोदी जी ने वोट मिल रहा है और मोदी जी ही केवल प्रधानमंत्री बनेगा, चाहे भी मैं सांसद चाहे कोई ने भी दे दो टिकट जीतो को वो मोदी जी ने टिकट दिला, खाली मोदी जी के नाम की आ रही टिकट आ, और सारा बोर्ड भी का नाम से ही गिरेगा। कांग्रेस पार्टी की पर भरोसा कर सके? कांग्रेस की पार्टी साहब तो मालूम होनी, कांग्रेस को तो पहले भी दी थी, कांग्रेस की टिकट तो पे तो 1.5 लाख वोटों से आ रहा। डोटासरा जी और अटे बात करा तो खंडेला जी की माहौल है? देखो डोटासरा जी जो है बढ़िया विधायक है, वे सिर्फ खाली लक्ष्मणगढ़ तक सीमित है और विधानसभा के माने मानो कोई जाने भी को नहीं, बस खाली बड़े तक सीमित है। नहीं अब की बार इंडिया नाम को गठबंधन भी करे है के लाग रहे है अब की बार पूरी हिंदुस्तान की पार्टी एक हो जाए और नरेंद्र मोदी जी ने कोई हरा ही कौन सके, सिर्फ खाली नरेंद्र मोदी की नाम से ही वोट पूरे हिंदुस्तान के मायने पड़ेगा। क्या वजह समझ में आ रही है? नहीं रहा बाकी नरेंद्र मोदी ने आज भारत को सोने की चिड़िया बना दी साहब पूरी, उनकी सोच के अब मेरे भारत को आगे लेके चलू मैं, हर तरीके की सुविधा कर दी है, हर तरीके की हर चीज़ की सुविधा कर दी उन्होंने, किसानों के लिए गरीब के लिए सबके लिए सुविधा करी उसने नरेंद्र मोदी जी ने। अब की बार लोकसभा चुनाव में क्या कोई माहौल बना रहे हो? माहौल साहब मैं तो ये चाहवा देखो कांग्रेस आवे नीचे तो नीचे ऊपर हो जाए कोई बात नहीं, मगर केंद्र का मायने में तो कांग्रेस नहीं चाहवा साहब। तो टिकट किन दीवारे ओढ़े सीकर में सौंप लगा बताओ? देखो देखो विकास का काम कराए, कोई भी बंदा हो विकास के ऊपर चले और अच्छा पूरी जनता को साथ में लेके चले और सभी चीज को ध्यान रखे, सभी 36 कौम को साथ में लेके चले और 36 कौम के दुख दर्द को देखते हुए पूरी चीजें चले, मैं तो यही चाहता हूँ साहब। कौन सो है या को उम्मीदवार जगह तारी नजर में कौन सो उम्मीदवार है? अभी देखो सही टाइम पर कई जना निकल निकल कर आऊंगा, देखो साहब अब की ने देखो तो देखो केंद्र है ना, केंद्र केंद्र ही देगी। डोटासरा जी को क्यों माहौल वन पर कर्ज का ही विश्वास? हाँ साहब है देखो दबदबो तो है साहब। और महादेव जी को लागे हाँ, माधव सिंह भी देखो जीता हुआ है एमपी का चुनाव में, माधव सिंह जी भी खड़े हो सकते हैं क्यों, इन्होंने भी 3 बारी के आदमी को जीता हुआ, एक दफा हराया था दमदार आदमी जब भी हराया था, टीम मजबूत थी जब भी हराया था, और आगे देखो क्या होता है। बीजेपी की पर भरोसा कर सके अब की बार सुमेधानंद जी बानी मिल सके या फिर कोई और ने और पर चेहरा चेंज कर सके? बिना भी दे सके साहब, बिना भी दे सके क्यों, दो दफा जी तोड़ो आदमी है बिना भी दे सके, और फिर देखो बीजेपी की जो दिल्ली आ रहा है वो लोग असली रिमोट तो इनके पास है साहब, देखो आ तो डबल इंजन की बता रहे ना थे, अब इंजन को चाबी बिन पाए दिल्ली आ रहा है वो लोग जिन्हें देंगे वही बिना मिलेगी टिकट। बीजेपी को आदमी जीत लो कता रहे कांग्रेस साहब एक एक वोट मतलब बाटे बैठा तो वो जीत लो मान लो। संजीव की बता रहे ये साहब देखो ये भक्त लोग है, इन भक्ता की तो मैं सका को नहीं साहब, अब इनके दिमाग का मैं 10-10 ग्राम कोई चीज भर गो तो मैं कुछ को नहीं कर सकता। बीजेपी टिकट किन देगी? बीजेपी सुविधा नहीं दे ली या फिर वो नहीं दे, आपको विचार दे ली कि नहीं दे ली? नहीं मेरी अजीब की मामला है टिकट देते है बीजेपी जीते ली एक वोट राम मंदिर की टिकट है मान लो, अरे मोदी आओ लो 400 सीट ले जाओ लो, 400 ले जाओ लो मोदी, राम दरबार को भाई साहब सीट है राम मंदिर के इस चक्कर से जीते लो मोदी। राम मंदिर को कारण बता रहे हैं साहब देखो राम मंदिर की आस्था तो देखो मैं भी मुसलमान है, मान सम्मान कोरट का लोकतंत्र मुल्क है
और कोर्ट ने जो फैसला दे दिया आपने भी देखा होगा ये बात, तो कोई ने अभी तक हिंदुस्तान के अंदर किसी ने तो आवाज उठाई नहीं। अरे एक दो जने तो इधर भी मिल जाते हैं, इधर भी मिल जाते हैं, हम तो यही चाहते हैं मोहब्बत से रहो सारे के सारे, और मोहब्बत ही सबसे बड़ी चीज़ है, और लोकतंत्र में मोहब्बत में रहने में ही विकास की धारा बहेगी। और देखो मानते हैं उनका भी मान सम्मान नहीं, राम मंदिर का भी मान सम्मान करते, हम ऐसे नहीं है लोग, औरों की तरह नहीं है, भड़काऊ भाषण देने वालों में से नहीं है सब, देखो सीधी बात है। सारे साहबों बीजेपी कैंडिडेट कत्ती सीट लेके आज के बार लोकसभा 25 में 25 आवली, और तारे साहब हूँ। अब देखो साहब इन बोल रहे तो इनकी बोल इन बोल सके 25 की 25 ले आ सके, मगर ये होता है कभी कभी वक्त होता है इंसान का, एक कोई दफ़ा इंदिरा जी का भी टाइम था जब 25 की 25 नहीं सिर्फ बीजेपी की एक ही सीट थी गुजरात के अंदर एमपी के अंदर, अरे तो आपको भी मालूम होगा एक सीट वाली 400 सीट लाने की दावा कर रही, तो ये लोकतंत्र है कोई भी कुछ भी हो सकता है, अभी ये हमारे भी हो सकता है, अभी कुछ भी हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ ना 25 की 25 कांग्रेस की भी आ सकती है, जनता जानती है, जनता कुछ भी पलटी मार दे साहब। राजस्थान का मायने डबल इंजन की सरकार आओगी अब की बार, केंद्र का मायने के कारण समझ मारे मोदी फैक्ट है ये तो। अरे एक चीज मैं सब पहले तो चीज जानना चाहूंगा भाई, सीकर का मायने टिकट की नहीं मिल सके सुमेलानंद सरस्वती मेरिया जी, ओके माहौल है मेरिया जी बढ़िया है, लेकिन 10 साल से विकास बढ़िया है सुमेलानंद जी को बढ़िया है, और कांग्रेस की पर भरोसा कर सके, कांग्रेस को तो देखो कांग्रेस में तो पुण्य मिले हैं, डोटासरा जी होगा, डोटासरा भी है वो भी सही है, और भी मतलब महादेव सिंह जी, महादेव सिंह जी भी है, अब कौन पे कांग्रेस की सरकार कौन ने टिकट देवा, डोटासरा से चौको तो महादेव सिंह से, डोटासरा से चौको तो महादेव सिंह से, तो क्यों पार्टी कौन सा पर भरोसा कर सके पार्टी जो? तो भैया बीजेपी पर करेली मोदी, कांग्रेस पार्टी कौन से कैंडिडेट पर कौन से उम्मीदवार पर भरोसा, ऊंच लेवल की बात होगी थारे अंदाजा की महादेव सिंह जी पर कर सके, डोटासरे जी पर कर सके, या फिर कोई और पर कर सके, महादेव सिंह जी पर कर ले, और बीजेपी वाला, बीजेपी वाला सरस्वती के ऊपर कर लिया, सुमेधानंद जी पर, सुमेधानंद जी पर ही करेंगे, की कारण वजह समझ में आ रही है? अब 10 साल के मायने बाकी कोई परेशानी कौन हुई गाँव में, कोई तकलीफ कौन हुई, राजस्थान में 25 सीट ही कती जीत से, कौन सी पार्टी कती जीत सके, भाई जितने मोदी से जितने तो 25वीं मोदी की आवली पूरी की पूरी, पूरी की पूरी, तो गठबंधन करे बैठे हैं तो कर ले, तो गठबंधन तो सभी कर लिया, क्या बता रहे हो मोदी है तो मुमकिन है बाकी नामुमकिन है, मोदी आवलो 2038 तक, नहीं टिकट की बात कर रहे हैं आप, टिकट की मोदी की नहीं, टिकट वो मोदी बैठ लो टिकट भी के नहीं जे, कोई ने भी दे दी, कोई जीत लो, कोई जीत लो, मन दे दे ना रे, सही जीत ला पक्का, अगर हां तो प्रयास कर लियो। कांग्रेस पार्टी को क्या माहौल है किन देश के, वो मोदी के सामने कोई माहौल को नहीं, आज स्थानीय चुनाव में विधायक में है लेकिन बैठे कोई माहौल को नहीं, इनमें तो है विधायक वाला, हम तो बाकी मोदी वाला हम कोई भाई युवा है जितना भी है कि वो वोट तो कांग्रेस देना है लेकिन वो वोट मोदी नहीं देना, क्या वजह समझ में आ रही है, क्योंकि बड़ो दावा करा जा रहा है मोदी का, हाँ तो मोदी तो मोदी है, उसके मुकाबला नहीं कोई दुनिया में, नहीं ऐसा कोई नेता, सारे नेता फेल हो रहे हैं, लोकसभा चुनाव सामने आ रहे हैं, नज़दीक आ गए हैं, तो के माहौल बन रहे थे तारगंज में, कई लोग आता हूँ, कई तरह का लोग आता हूँ, बाल कटवा, अरे बाल कटा बड़े से आओ थे, लेकिन मैं मेरे निजी व्यक्तित्व है कि सब पहले आप बात करेंगे टिकट किने मिल सके, एक सीख करूँ की बात, टिकट बीजेपी की पहलो काम तो है सुबेदानंद जी महाराज ने मिला, जो वर्तमान सांसद है उसको मिलना चाहिए मेरे हिसाब से, और दूसरा नंबर सुभाष मेहरिया का भी दे सकते हैं, तो बाक अलावा भी कोई आवेंगे टक्कर कमाए टिकट के दौर कमाए, बाक अलावा तो मेरे हिसाब में दिमाग में है कोई नहीं, कांग्रेस की पलटबाजी की पर आस है, कांग्रेस की मतलब सशक्त उम्मीदवार कांग्रेस का फर्स्ट तो महादेव सिंह जी, अच्छा महादेव जी पर कर सके विश्वास, हाँ विश्वास कर सके क्योंकि पहले वो जीते हुए हैं, महादेव जी के अलावा भी कौन दे सकेंगे टिकट, महादेव जी के अलावा ज़्यादातर तो महादेव जी के पक्ष में जाएगा, और मेरा विचार से अनुसार है महादेव जी को ही मिलेगा, के रेस के माहौल आन महादेव जी टिकट मिले तो, महादेव सिंह जी को यदि टिकट मिले इनके कार्यकर्ता या ये विशेष मेहनत करने पर सफलता मिल सकती है, लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, टिकटों की दावेदारी चल रही है, भागम भाग चल रही है, भागम दौड़, तो कौन सी पार्टी कौन सी उम्मीदवार ने टिकट दे इसका पर? देखो टिकट के ऊपर है कौन ने दे, कांग्रेस वाला किन की कौन है भाग में, कांग्रेस आरंगो तो अखबार में देखी जी महादेव सिंह को नाम के ऊपर दिखे उनको, तो थाने की लाग रहे देश की टिकट मिल भी जाए कोई जरूरी, थारगन कई लोग आता जाता हूँ सिलाई को काम करो, तो की का चर्चा ज़्यादा सुनवान मिल रही है आपकी बात, अब देखो मैं तो महादेव सिंह की काल पड़ी जब चर्चा में सुनवा लग गया था, धन्यवाद देता हूँ,
अच्छा। क्योंकि एक बार सांसद भी रिहोड़ा है जहाँ वैसे गांव को नंबर पड़ जाए था पार्टी कर सके विश्वास। हाँ विश्वास कर सके क्यों एक बार सांसद जीतोड़ा है न था बात बताऊँ मंत्री रिहोड़ा से लोकसभा में और बीजेपी को के माहौल समझ में आ रहे हैं। अब बीजेपी को तो देखो था बात बताऊँ टिकट पर ही निर्भर है टिकट किन देश के। अब देखो यहाँ सुभाष महरिया ने भी मिल जाए और कोई नहीं मिल जाए तो जो वर्तमान ही सुमेधानंद जी माने अब आए की तो आए सुना था भाई आपका चुनाव कौन लड़ेगा अब कहीं कौन ने टिकट मिला देखी तो पार्टी जाने था ना बात बताओ। अरे आम मान लो कोई सा टिकट मिल जाए तो क्या माहौल रह सके बीजेपी को और कांग्रेस की टक्कर कौन सी पार्टी रह सके। देखो माहौल तो मतलब आठ दस दिन में ही बने को माहौल तो देखो टिकट मिले बाद में ही माहौल बने अब कौन सा ने कहीं टिकट मिला अब आता ना नहीं तो अबकी बार राजस्थान में की लहर ज्यादा नजर आ रही है कौन सी पार्टी की विशेष की आ रही है फिर उम्मीदवारों पर ही होगी डिपेंड। देखो पार्टियाँ की अभी तो कोई की लहर को ना था बात बताऊँ ऐ तो टिकट वहाँ पर ही निर्भर करे लो क्योंकि टिकट मिलवा से ही अठंगा चुनाव वजह था बात बताऊँ। खंडेला की जनता जब आप बातचीत करी तो खंडेला की जनता है बस सीकर लोकसभा सीट के ऊपर आप आपकी जो उम्मीदवार ही आप आपकी पार्टी के प्रति जो वफादारी है मांगा नाम है अपने सामने रखें तो एक मैं थाने के लाग रहे आपकी बार सीकर लोकसभा क्षेत्र के मायने कौन सी पार्टी कौन से उम्मीदवार ने टिकट दे सके थे मन कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताओगा और देश दुनिया में जुड़े रहने के बेड़ा रो झलको सीकर के साथ राम राम।